और राइट, तो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो ये है, सामने पूरा का पूरा नैनीताल दिख रहा है सामने से। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं सात ताल में। दिस इज कैमल्स बैक। लुक एट दिस भाई साहब, एक बार ये देखो कितनी ज्यादा बड़ी मूर्ति है। तो नैनीताल रात में देखो ऐसा दिखता है बैंक। आज की इस वर्चुअल जर्नी में हम आपको लेके चलेंगे टू द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, नैनीताल, नोन फॉर इट्स सीरीन लेक्स, लश फॉरेस्ट एंड पैनोरामिक व्यूज ऑफ हिमालयस। इंडिया के इस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन में आपको सब कुछ मिलेगा। इसके साथ ही हम जाएंगे यहाँ की लेसर नोन एंड ऑफ बीट प्लेसेस में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपने ट्रिप के डे वन में हम लोग जाते हैं नैनीताल लेक के लिए। नैनीताल इज फेमस फॉर इट्स आई शेप्ड लेक, एंड उसी लेक में हम लोग बोटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन वहां पहुंच के हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज हम लोग आए हैं नैनीताल और अभी हो रही है बहुत ज्यादा बारिश, फिलहाल आप देख ही सकते हो। और ये वाला व्लॉग एक फैमिली व्लॉग होने वाला है, ठीक है? तो ज़्यादा हमारा नॉर्मल ब्लॉग जैसे एक्सपेक्ट मत करना इसे, और जैसे हालात चल रहे हैं वैसे तो बिल्कुल ही मत करना एक्सपेक्ट। इतनी बारिश हो रही है कि हम गाड़ी में बैठे हुए, मेरे घर वाले यहाँ पे खड़े हैं आराम से छाता लेके। अभी हम लोग जाएंगे नैनीताल लेक की तरफ और फिर देखते हैं अगर कुछ आपको दिखा पाते हैं। बाकी तीन चार दिन अभी हम यही वाला सर्किट पूरा कम्प्लीट करेंगे, तो क्या पता दोबारा से मैं यहाँ पे आऊँ, दोबारा से ये ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट, लेट्स गो। अब बारिश में बोटिंग का प्लान कैंसिल करके हम लोग निकल जाते हैं टू द हाईएस्ट पीक ऑफ नैनीताल। ट्रस्ट मी, ये जगह आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से पूरे नैनीताल का बेस्ट व्यू देखने को मिलता है। नैनीताल लेक से बस 7 से 8 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वी स्टार्टेड आवर हाइक टू द नैना पीक। आज अभी फिलहाल इस वक्त हम लोग जा रहे हैं नैना पीक में, और वैसे तो हमने सुबह से बहुत अटेम्प्ट कर लिया नैनीताल में घूमने का, नैनीताल लेक में जाने का, बहुत सारी चीजें करने का, और बारिश ने सारा का सारा मूड खराब कर दिया है। अब ये हमारा फाइनल अटेम्प्ट है नैना पीक में जाके, अगर कुछ मिल जाए। और चलते हैं अभी आगे। एक बारी मौसम चेकआउट करो, यहाँ पे इतना सही मौसम हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है चलने में। एंड ये हमको नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं वैसे, पर चले जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, पर लेट्स सी हम लोग टाइम पे पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। ऑलराइट, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे एक व्यू पॉइंट पे। वैसे नैना पीक और ऊपर है पर यहाँ से भी पूरा व्यू दिख रहा है। एक बारी देखो इसे, पूरा का पूरा नैनीताल दिख रहा है सामने से, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखने में। मैं कोशिश करूँगा कैमरे में दिखाने की, अगर दिखा तो। और फिलहाल अभी हम लोग चलते ऊपर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये साइड में ये है नैना पीक, तो वहाँ पे चलते हैं फटाफट से और आपको भी दिखाते हैं। अभी मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। और राइट, तो अभी हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है या तो कैंटीन कुछ तो है, और भैया बता रहे थे कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है। और मेन बात ये कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ अकेले हैं। तो अच्छा नहीं दिखा तो सौरभ की पिटाई होनी है आज मेरे हाथ से। एक बटाई तो दिख रहा हूँ, क्या करो दिखा, टाइम लग रहा आप कौन करो दिखा क्या, आम की आम ही दिख रहा है यहाँ से भी। तो हमारे पीछे जो नज़ारे हैं भाई, यहाँ से मज़ा आ गया देख के। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, एक जना भी नहीं है हमारे अलावा। और यहाँ से अभी पूरा मौसम भी खुल गया है, इतना मस्त लग रहा है। तो ट्राई करेंगे यहाँ से थोड़े और ड्रोन शॉट लेने की, और आपको दिखाते हैं नज़ारे इन 3, 2, 1। लग रहा है बाबा, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, स्वर्ग है ये। स्वर्ग तो वो है, वो क्या चीज, सौरभ सुन रहा है, हां हां, बहुत खतरनाक दिख रहा भाई, बाप रे। तो कुछ इसी तरीके से पीक में बैठ के इन हिमालयन रेंजेस और नैनीताल के इस अनरियल से व्यू को देख के हम वापस चले जाते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग वहाँ से पीक से आ गए हैं यहीं पे, ये फॉरेस्ट के उसमें हम लोग ने मैगी बनाई, बड़ी मुश्किल से हमको मैगी मिली है यहाँ पे, एंड अब इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे हमारी तरह बरसात में आए तो अपने साथ थोड़ा सा नमक लेके चलना, बहुत जोक लग गई थी।
जब तक हम वापस नैनीताल पहुंचे सनसेट हो चुका था। द ब्यूटी ऑफ नैनीताल एट नाइट इज अ मेसमराइजिंग स्पेक्टिकल। द प्लेस कम्स अलाइव विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियंस, जिसे शायद इन शब्दों में और इस कैमरे में कैद करना थोड़ा सा मुश्किल है। लुकिंग एट दिस व्यू हम लोग बस एक ही बात सोच रहे थे कि कैसे हमारा आज का दिन स्टार्ट तो परफेक्टली नहीं हुआ था लेकिन एंड एकदम परफेक्टली हो रहा है। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अंत भला तो सब भला। और इस नज़ारे को देखने के बाद अब अगले दिन की एक्साइटमेंट हमारे अंदर और ज्यादा बढ़ गई थी। हमारे ट्रिप के सेकेंड डे में हम जाने वाले थे कुछ लेस क्राउडेड लेक्स में, जैसे कि सात ताल, नौकुचिया ताल और भीम ताल को एक्सप्लोर करने। नैनीताल से सिर्फ कुछ घंटे की दूरी में है ये सभी लेक, और सही मायनों में दीज प्लेसेस आर द रियल हिडन जेम्स ऑफ दिस प्लेस। ऑलराइट, सो इट्स डे टू और आज हम लोग जाएंगे सात ताल, नौकुंचिया ताल एंड आई गेस वहाँ पे तीन चार और ताल हैं। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि हम लोग सारी की सारी तालों में जाएं। काठगोदाम से 30 किलोमीटर और नैनीताल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी में है मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट लेक गरुड़ ताल। ओके, सो अभी हम लोग जा रहे हैं गरुड़ ताल की तरफ। पूरा जो लेक है वो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है और इसके बाद अभी दो तीन ताल और है आगे, तो वो भी जाके देखेंगे। ये लेक सात ताल की सात लेक्स में से एक है। गरुड़ ताल और सात ताल की बाकी छह लेक्स का डिस्टेंस 4 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, फिर भी समहाउ ये लेक्स आपस में कनेक्टेड है। ये लेक मेरी फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि ये लेक अभी तक बिल्कुल अनटच्ड है। बहुत दूर तक गया और क्या। कहाँ तक गया देखा? मेरा और किसका जाएगा, एक ही है यहाँ पे। एक और देखो। गया आगे, फिर भी थोड़ा सा गया। जो ये वाला लेक है, दिस इज़ बाई फार माई फेवरेट लेक्स जितने भी हम लोग गए अभी तक, चाहे वो भीम ताल हो चाहे वो नैनीताल हो, और अभी आगे जाके देखेंगे बाकी ताल अगर इससे अच्छे होते। एक तो यहाँ पे कोई है नहीं, बहुत कम लोग हैं, दूसरा एकदम शांति है यहाँ पे, चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है। एंड अभी थोड़ा सा और यहाँ पे बैठते हैं नदी के किनारे, लेक के किनारे, और फिर चलते हैं नेक्स्ट ताल। यहाँ से निकलने के 4 किलोमीटर बाद हम पहुँचते हैं सात ताल में। सात ताल सात अलग अलग लेक्स के क्लस्टर को कहते हैं। द नेम ऑफ दी 7 लेक्स आर पून ताल, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, नल दमयंती ताल और गरुड़ ताल। इफ यू आर कमिंग टू सात ताल तो यहाँ पे आप बिना बोटिंग करे हुए बिल्कुल मत जाना। एक तो आपको यहाँ पे नैनीताल जैसी भीड़ नहीं मिलेगी एंड ट्रस्ट मी, मेरी बोटिंग का अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस यहीं पे था। हाँ, मैंने पूछ लिया। दिस 45 मिनट्स ऑफ बोटिंग सेशन वॉज अ ट्रू ब्लिस, जस्ट अस, नेचर एंड दिस ब्यूटिफुल लेक। यहाँ पे हमने बहुत सारी बर्ड्स भी देखी और लेक के किनारे में काफी जानवर भी, जिन्हें मैं कैप्चर तो नहीं कर पाया, पर आप अगर जाएंगे तो आपको वो पक्का दिख जाएंगे। सात ताल में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके हम निकल जाते हैं भीम ताल की ओर। काठगोदाम से 21 किलोमीटर और नैनीताल से 23 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये लेक आपको देता है अनरियल सीनिक व्यूज। जब हम वहाँ पहुंचे वी वर ब्लोन अवे बाय द मैग्नानिमिटी एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस।
आज का दिन इसी लेक के पास हमने खत्म किया। वैसे हमारी चेकलिस्ट की लास्ट लेक नौकुचिया ताल अभी भी बची हुई है, लेकिन वहां हम जाएंगे कल। अभी तो फिलहाल इस ब्यूटीफुल से सनसेट के साथ इस दिन को करते हैं खत्म। अपने ट्रिप के डे 3 में जब हम कैंची धाम के लिए निकलते हैं, हमें रास्ते में अनएक्सपेक्टेडली मिलती है ये जगह। दिस प्लेस इज पायलट बाबा आश्रम। यहाँ की इन बड़ी बड़ी मूर्तियों को देख के रास्ते की सारी थकान मिट जाती है। ये वाली जगह हमारी लिस्ट में तो नहीं थी, बट दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग प्लेस भाई। इतनी मस्त मस्त मूर्तियाँ लगी हुई थी यहाँ पे। एंड अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है नेम करोली बाबा का आश्रम, तो फटाफट से उधर की तरफ चलते हैं। और फिर कुछ देर बाद हम पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। कैंची धाम या नीम करोली आश्रम इज अ पिलग्रिमेज साइट फॉर द फॉलोअर्स ऑफ महाराज जी, जिनकी लिस्ट में विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और बहुत सारे बड़े नाम भी शामिल हैं। आश्रम में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकलते हैं अपनी बची हुई लेक के लिए, नौकुचिया ताल। नैनीताल से सिर्फ 1 घंटा और दिल्ली से 8 घंटे की दूरी में है ये खूबसूरत लेक। एज द नेम सजेस्ट, दिस लेक हैज 9 साइट्स और ये लेक नैनीताल की लेक से भी ज्यादा गहरी है। वेल, इस परफेक्ट वेदर में यहाँ बोटिंग करे बगैर तो हम नहीं जाने वाले थे। अब भैया को अपनी उसमें वो लग रहा है शक। 7 ताल के जैसे इस लेक में भी बोटिंग करना इज अ मस्ट। मी एंड माय फैमिली वर रियली एंजॉयिंग दिस ट्रिप। वैसे सच बताऊं तो जब ये ट्रिप स्टार्ट हुई थी तो मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा मजा आएगा, बट यू नो समटाइम्स द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स कैन बी फाउंड इन द मोस्ट अनलाइकली सिचुएशंस। इस इतने परफेक्ट डे को हमने यही नौकुचिया ताल में खत्म करा। वैसे हमारी ट्रिप की एक लास्ट लोकेशन अभी भी बची हुई है। अपने ट्रिप के लास्ट दिन में हम जाते हैं वापस से नैनीताल। इस बार नैनीताल हमारा स्वागत बिना बारिश के करता है। कुछ देर लेक के पास बैठ के हम लोग निकल जाते हैं कैमल्स बैक के लिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज बेस्ट व्हेन इट कम्स टू द व्यूज। और यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं जाते। ऑलराइट, सो वी स्टार्टेड आवर ट्रिप विद अ ट्रैक और हम उसको ख़त्म भी ट्रैक से कर रहे हैं। छोटा सा हाइक है कैमल्स बैक के लिए, उधर जाएंगे, फिर रात के टाइम पे हम नैनीताल की तरफ निकलेंगे। ओके, सो आफ्टर 15-20 मिनट्स हम ऑलमोस्ट टॉप में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे मैगी पॉइंट है। एक इतना सही व्यू दिख रहा है। आई थिंक सेकेंड बेस्ट पॉइंट हो गए यहाँ का, आफ्टर दैट नैना पीक। और नैना पीक का एलिवेशन थोड़ा ऐसे में था, ये थोड़ा ग्राउंडेड लेवल में है तो ज़्यादा अच्छा यहाँ से दिख रहा है वैसे फिलहाल तो। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर। जंगल में ड्रीमी रास्तों के बीच से 30 मिनट की एक छोटी सी हाइक के बाद हम पहुँचते हैं पीक में। ओह हाय,